हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 5 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है, जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, सेवेंथ राउंड ऑफ टॉक्स विद फार्म यूनियंस एंड्स इन स्टेलमेट। द सेवेंथ राउंड ऑफ टॉक्स between union ministers and protesting farm unions on Monday failed to resolve the deadlock over three new agricultural reform laws. Both sides stuck to their own positions and accused the other of stubbornness. So, जो seventh round of meeting चलने होने वाली थी, जो 4 जनवरी होने वाली थी, वो union minister और farmer के बीच वो meeting हुई, लेकिन वो meeting का कोई फल नहीं आया। वो मीटिंग एक डेडलॉक की तरह जहां पे शुरू हुई थी वहीं पे खत्म हो गई। तो नया एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉस को लेके कोई फैसला नहीं आया अब तक, और दोनों अपनी अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को अपना स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं, एक दूसरे के जगह पे पड़े हुए हैं। वो नहीं हटना चाहते, ये भी नहीं हटना चाहते। With the center seeking to discuss specific concerns on the laws and the farmers demanding total repeal. So, centers का ये कहना है कि हम लोग ये लॉ को और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, इसको और थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस लॉ में कुछ खराबी आ रही नजर आ रही है तो हम वो चीज को चेंज कर देंगे। लेकिन फार्मर्स का कहना है कि नहीं, हमें कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, हमें ये तीनों लॉ को टोटली हटाना है। सो दोनों अपने अपने जगह पे अड़े हुए हैं। द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन जनवरी 8। सो ये मीटिंग का कोई फैसला नहीं आया। सो ये देखा गया है कि जब दोनों ही नहीं मानने वाले, तो अब अगला मीटिंग जनवरी 8 में किया जाए। टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ फार्मर्स have now completed 40 days of protest on the borders of Delhi, braving bitter cold and pouring rain over the last few days. So, इतनी ठंड में और अब दिल्ली में बारिश भी हो रही थी, तो इतनी ठंड में जो बारिश हो रही है, और अब तक 40 days का protest हो चुका है farmers का, so अब भी date बढ़ाया जा रहा है, तो पता नहीं कौन से date में क्या फैसला आने वाला है। Next, biggest COVID-19 vaccination program set to begin. The world's biggest inoculation drive against the coronavirus is set to begin in the country, Prime Minister Narendra Modi said on Monday, a day after India's drugs regulator approved two vaccines for restricted emergency use. So, दो वैक्सीन को अप्रूव किया गया है, एक कोविशील्ड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, और एक कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया। सो ये दो वैक्सीन को ड्रग्स रेगुलेटर ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। तो अप्रूव करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने वाली है। इंडियाज ड्रग्स रेगुलेटर ऑन संडे अप्रूव्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड मेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड कोवैक्सीन ऑफ भारत बायोटेक। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के अंडर में जो बनाई गई है कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई, और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो बनाया गया है, ये दोनों को रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया गया है, पेविंग द वे फॉर मैसिव इनोक्यूलेशन ड्राइव। और ये बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। Addressing scientists at the National Meteorology Conclave, Mr. Modi also said that it must be ensured made in India products not only have a global demand but also global acceptance. So, Narendra Modi ji ne kaha hai ki ye jo vaccine ban rahi hai, ye sirf made in India products nahi hogi, isse global demand ke hisab se nahi, global acceptance bhi hona chahiye, puri duniya isse accept kare. Next, adverse events must be reported fortnightly. Bharat Biotech and the Serum Institute of India, which have received
approval from the Drugs Controller General of India for manufacturing and distributing their COVID-19 vaccines are expected to submit reports every 15 days on adverse events among those vaccinated, if any, for 2 months. After this, they would have to submit such reports once a month. So, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया को ये कहा गया है कि आप लोगों को वैक्सीन की अप्रूवल दी गई है, तो आप वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन हर 15 दिन के बाद 2 महीने तक, हर 15 दिन के बाद 2 महीने तक आप मुझे ये जितने भी वैक्सीनेट की जाएगी उनका क्या एडवर्स इवेंट होगा, मतलब वैक्सीनेशन के बाद जिनको वैक्सीनेशन दी की जा रही है उनका क्या रिएक्शन होगा, अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ या कुछ भी हुआ, आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट हमें देनी है। अगर आप 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हो तो मुझे 1 लाख लोगों की रिपोर्ट चाहिए, 15 दिन बाद रिपोर्ट चाहिए मुझे। ये 2 महीने तक चलेगी। अगर कुछ गड़बड़ नहीं देखा गया तो फिर वो टाइम बढ़ा दी जाएगी और फिर 1 महीने में एक बार रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और 15 दिन बाद नहीं देनी पड़ेगी, 1 महीने में एक बार रिपोर्ट देनी पड़ेगी। दैट्स इट। द वैक्सीन डेवलप्ड बाय बोथ कंपनीज हैवंट गॉन थ्रू ऑल द रिक्वायर्ड टेस्ट, पर्टिकुलरली द ट्रायल्स दैट डिटरमाइन वेदर द वैक्सीन्स आर इफेक्टिव इन इंडियंस। सो तो जो वैक्सीन डेवलप की गई है वो जो पूरी ट्रायल्स होती है वो पूरी ट्रायल्स को पार नहीं की है, मतलब जो थर्ड फेज है थर्ड फेज को क्रॉस नहीं किया, थर्ड फेज कंप्लीट ही नहीं किया दोनों वैक्सीन ने। सो ये डिटरमाइन करना मुश्किल है कि ये इंडियंस के ऊपर इफेक्टिव होगा कि नहीं। बोथ कंपनीज हैव बीन गिवन अप्रूवल फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज, दोनों को रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज का अप्रूवल दिया गया है कि आप लोग इसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही यूज करेंगे, उसके बाहर नहीं। और कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल यूज के लिए ही अप्रूव किया गया है, उसे फुल्ली अप्रूवल नहीं दिया गया है, उसे क्लिनिकल ट्रायल यूज के लिए अप्रूव किया गया है, मतलब कि उन कोवैक्सीन का थर्ड फेज बाकी है। सो वो लोग थर्ड फेज ट्रायल भी करेंगे और साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोसेस, जो रियल वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसे भी करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 10 मिलियन कोवैक्सीन डोजेस आर रेडी। कृष्णा एला, चेयरमैन ऑफ भारत बायोटेक, द कंपनी दैट हैज मेड कोवैक्सीन एंड गॉट अप्रूवल टू मार्केट द वैक्सीन इन क्लिनिकल ट्रायल मोड, सेड 10 मिलियन डोजेस ऑफ द वैक्सीन वर रेडी and efficacy data showing the vaccine's ability to protect against COVID-19 would be available by March. So, Bharat Biotech ki chairman Krishna Ella, unhone kaha ki jo Covaxin unhone banaya hai, ab wo clinical trial mode ke liye taiyar kiya gaya hai, usse clinical trial mode ke liye approve kiya gaya hai, jo maine abhi kaha ki wo abhi trial mode mein hai, isliye usse clinical trial mode mein kiya gaya hai. सो कृष्ण एला का कहना है कि 10 मिलियन डोजेस वैक्सीन की 10 मिलियन डोजेस रेडी हो चुकी है, अब वो सिर्फ मार्च से अवेलेबल की जाएगी। दो द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड कोवैक्सीन इन अ क्लिनिकल ट्रायल मोड, मीनिंग दैट ऑनगोइंग फेज 3 ट्रायल विल कंटिन्यू वेयर सम गेट द वैक्सीन एंड सम डोंट, एंड इट वुड ऑल्सो बी साइमल्टेनियसली गिवन टू दोज आउटसाइड दैट ट्रायल। So, जो फेज 3 ट्रायल चलता रहेगा और उसके साथ साथ जो रियल वैक्सीनेशन प्रोसेस है, मतलब जो असली वैक्सीन दी जाएगी लोगों को, वो भी चालू करना पड़ेगा। सो कोवैक्सीन को बोथ भारत बायोटेक को दोनों तरफ काम करना पड़ेगा, इसीलिए उन लोगों को ये अप्रूवल दिया गया कि वो लोग क्लिनिकल ट्रायल मोड में है। मिस्टर एला सेड He hadn't got clarity from the authorities on how this was to be proceed. So, Mr. Ella का ये कहना है कि अभी भी authorities की तरफ से कोई ऐसी clarity नहीं आई है कि इससे कैसे proceed कर सके, कैसे आगे बढ़े।
Next point. The Directorate of Education circular asks teacher to check weight of school bags. The Directorate of Education has issued a circular asking schools to follow the new school bag policy 2020 released by the National Council of Educational Research and Training NCERT. So, Directorate of Education जो है, उन्होंने schools को ये circular भेजा है कि वो लोग नया policy जो निकला है school bag policy 2020 उसे follow करें. So, ये school bag policy 2020 निकाला गया है National Council of Educational Research and Training NCERT के तरफ से. So, ये school bag policy 2020 है क्या? According to the circular, school teachers should inform the students in advance about the books and the notebooks to be brought to school on particular day and frequently check their bags to ensure that they are not carrying unnecessary material. So, ये school bag policy के तहत ये कहा गया है कि school teachers students को पहले से inform कर दे कि उनको अगले दिन क्या क्या notebooks लाना है, क्या क्या books लाना है, और students सिर्फ वही सब carry करें. और school teachers को ये भी कहा गया है कि वो लोग frequently means हफ्ते में एक बार या month में एक बार students के bag को check करें ताकि ये देखे कि स्टूडेंट्स कोई अनवांटेड मटेरियल्स तो नहीं ला रहे, मतलब जो स्कूल में नहीं लाना चाहिए वो सब तो नहीं ला रहे. तो द वेट ऑफ द स्कूल बैग्स एज पर द पॉलिसी शुड बी 1.6 टू 2.2 केजी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 एंड 2. क्लास 1 एंड 2 के लिए उनका बैग का वेट होना चाहिए 1.6 टू 2.2 केजी. क्लास 3, 4, 5 के लिए होना चाहिए 1.7 टू 2.5 केजी. क्लास 6 और 7 के लिए होना चाहिए 2 से 3 केजी तक. क्लास 8 के लिए होना चाहिए 2.5 टू 4 केजी. क्लास 9 एंड 10 के लिए होना चाहिए 2.5 टू 4.5 केजी. एंड क्लास 11, 12 के लिए होना चाहिए 3.5 टू 5 केजी. तो टीचर्स को ये वेट हमेशा चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे बहुत देखे गए हैं कि स्टूडेंट्स बहुत सारे अनवांटेड चीज स्कूल बैग्स में लेके आते हैं, स्कूल में लेके आते हैं, जो टीचर्स को नहीं पता होता है, पेरेंट्स को नहीं पता होता है. सो वो सब चीज वो लोग ना लाए. सो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. इट एडेड दैट द टीचर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेकिंग द वेट ऑफ स्कूल बैग्स ऑफ द स्टूडेंट्स एवरी 3 months on a day selected for the whole class. So, हर 3 months में bags check की जाएगी और वो दिन select किया जाएगा, उस दिन में check की जाएगी. And information about the heavy bags should be communicated to the parents. और अगर bag बहुत ज़्यादा भारी हो या bag में कुछ ऐसा मिले जो नहीं मिलना चाहिए था, so वो सब को लेके parents के साथ communication करनी पड़ेगी, parents को inform करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है. Next, Jaishankar to visit Sri Lanka today. In the first high-level visit by a foreign official to Sri Lanka this year, External Affairs Minister S. Jaishankar will be in Colombo from January 5th to January 7th and hold bilateral talks with President Gotabaya Rajapaksha, Prime Minister Mahinda Rajapaksha and the counterpart Dinesh Gunawardena. Official statement from the both capitals said. So, आज जनवरी 5th से लेकर जनवरी 7th तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर श्रीलंका में जाएंगे, वहां पर स्टे करेंगे और वहां के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करेंगे. द विजिट अज्यूम सिग्निफिकेंस फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रीजन एज इंडिया ट्राइज टू काउंटर ग्रोइंग चाइनाज आउटरीच इन द रीजियन. सो एस जयशंकर वहां जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ थोड़ा स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक रीजन में बातचीत करेंगे क्योंकि इंडिया चाइना जो कर रही है, चाइना एनसीआर मतलब इंडियन ओशन रीजन में जो अपना दबाव फैलाने की कोशिश कर रही है, तो
इंडिया उसको काउंटर अटैक करना चाहती है, तो इसके वजह से वो लोग श्रीलंका के पास गए, क्योंकि श्रीलंका के वहाँ चाइनीज ऑफिशियल्स आए थे, वो लोग आके थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस देके गए थे। तो अब इंडिया वहां गए और वहां जाके ये से बातचीत करेगी कि चाइना को उसका आउटरीच बंद करना पड़ेगा, चाइना चाइना जो करने चाह रही है वो बंद करना पड़ेगा। इट ऑल्सो कम्स एट अ टाइम वेन सम इन द रूलिंग राजापक्ष एडमिनिस्ट्रेशन आर सीकिंग द अबोलिशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम बॉर्न आउट ऑफ द इंडो लंका अकॉर्ड ऑफ 1987। सो ऐसे टाइम में भी देखा जा रहा है कि राजापक्ष के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है जो रूलिंग पार्टीज है वो लोग भी कुछ जो प्रोविजनल काउंसिल सिस्टम है जो इंडो लंका अकॉर्ड 1987 में बनी थी उसे हटाना चाहती है, उसे अबॉलिश करना चाहती है। नेक्स्ट, बजट सेशन टू बी हेल्ड एंड हेल्ड अमिड कर्ब्स। द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्ड अंडर द सिमिलर कोविड-19 सेफ्टी मेजर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स दैट वर इन द प्लेस फॉर द मॉनसून सेशन। तो मॉनसून सेशन जैसा हुआ था, बजट सेशन भी वैसे ही होगा पार्लियामेंट में। और ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 सेफ्टी जैसे पहले किया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर दूर सबको बैठाना, तो वैसे ही किया जाएगा, हर एक रेस्ट्रिक्शंस को माना जाएगा और मेजर्स ली जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर लाइकली टू बी सीटेड इन थ्री डिफरेंट प्लेसेस, द राज्यसभा चेम्बर, द लोकसभा चेम्बर एंड द सेंटर हॉल फॉर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एड्रेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। सो रामनाथ कोविंद जी के जब जब वो एड्रेस करेंगे, जब वो स्टार्ट करेंगे स्पीच, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को तीन जगह बैठाई जाएगी, राज्यसभा चेंबर, लोकसभा चेंबर और सेंट्रल हॉल में, और ये फर्स्ट टाइम एवर होगा। नेक्स्ट, केरला ऑन अलर्ट आफ्टर बर्ड फ्लू इन टू डिस्ट्रिक्ट्स। द स्टेट वॉज प्लेस्ड ऑन हाई अलर्ट ऑन मंडे आफ्टर एन आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू वॉज कन्फर्म्ड इन कोट्टायम एंड अलापुझा डिस्ट्रिक्ट्स। द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हैज टेकन एडिक्वेट स्टेप्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर के राजू सेड। सो ये देखा गया कि केरला के दो डिस्ट्रिक्ट में, कोट्टायम एंड अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में, बर्ड फ्लू का निशान पाया गया, जो डक्स है डक्स में बर्ड फ्लू पाई गई। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो लोग एडिक्वेट स्टेप्स ले रहे हैं, वो लोग उनको जो स्टेप्स लेना है वो ले रहे हैं ताकि वो इन्फेक्शन ना फैले। द प्रेजेंस ऑफ H5N8 सब टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस वॉज रिपोर्टेड इन डक्स इन थलावादी, तखाजी, पलीपद एंड करुवट्टा इन अलुपजा डिस्ट्रिक्ट एंड नींदूर इन कोटायम डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब जगहों पे जितने भी डक्स पाए गए हैं वो डक्स में ये बर्ड फ्लू जो होता है, जो H5N8 सब टाइप इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ये पाई गई है। फाइव ऑफ एट सैंपल्स एयरलिफ्टेड टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल। सो पांच आठ में से पांच सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल में भेजी गई है, जो टेस्ट पॉजिटिव फॉर द बर्ड फ्लू वायरस। उन्होंने ये टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये बर्ड फ्लू पॉजिटिव है। द मिनिस्टर सेड एडिंग दैट द इन्फेक्शन हैज नॉट बीन रिपोर्टेड इन ह्यूमन बींग सो फार। अब तक ये इन्फेक्शन कोई भी ह्यूमन बींग के ऊपर नहीं देखा गया है। सो ये सिर्फ डक के ऊपर देखा गया है। तो अभी यही कोशिश की जा रही है कि इसको यहीं पे ही कंटेन कर लिया जाए, इसको यहीं पे रोक दिया जाए, कोई इंसान तक ना फैले। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एक्टिविटी स्ट्रेटन इन दिसंबर। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्टिविटी स्ट्रेटन इन दिसंबर विद मैन्युफैक्चरर्स स्टेपिंग अप प्रोडक्शन एंड इनपुट बाइंग अमिड एफर्ट्स टू रिबिल्ड देयर इन्वेंट्रीज फॉलोइंग बिजनेस क्लोजर्स अर्लियर इन द ईयर, अ मंथली सर्वे सेट ऑन मंडे। सो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स अभी भी अपना एक्टिविटी जारी रख रही है, जो उनकी जो उनकी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेटिंग करने के, उसको मजबूत करने के लिए। और ये देखा गया है कि दिसंबर में उनकी एक्टिविटी थोड़ी मजबूत हुई है, नवंबर से ज्यादा हुई है। सो वो लोग अभी और भी ज्यादा काम कर रही है ताकि वो लोग और ज्यादा स्टेप अप कर सके और प्रोडक्शन बढ़ा सके।
The seasonally adjusted IHS Market India Manufacturing Purchasing Managers Index was at 56.4 in December, a tick higher than November's reading of 56.3. So November mein jo IHS Market India Manufacturing Purchasing Managers Index value jo tha 56.3 November mein, wo December mein dekha kya 56.4 ho gaya. A print above 50 means expansion, while score below that denotes contraction. So, अगर 50 के ऊपर हुआ तो उसे expansion माना जाता है, growth माना जाता है, और 50 से नीचे होगा तो उसे contraction माना जाता है, मतलब वो गिर जाता है. तो यहाँ पे 56.4 है, इसका मतलब ये growth है. Next, Vietnam buys Indian rice for the first time in decades. Vietnam, the world's third biggest exporter of rice. Has started buying the grain from the rival India for the first time in decades after local prices jumped to their highest in 9 years. Amid limited domestic supplies, four industry officials told Reuters. So Vietnam, 10 सालों में, last decade में पहली बार इंडिया से उन्होंने rice export किया. इंडिया से उन्होंने rice मंगवाया. इंडिया को वियतनाम इंडिया के राइवल माने जाते हैं और वो लोग कभी भी इंडिया से कभी राइस एक्सपोर्ट नहीं करवाए. लास्ट 10 ईयर्स में तो कभी नहीं करवाई और ये फर्स्ट टाइम उन्होंने किया क्योंकि वहां पे राइस का दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा हाई हो चुका है. द परचेज अंडरस्कोर टाइटनिंग सप्लाईज इन एशिया विच कुड लिफ्ट राइस प्राइस इन 2021 एंड इवन फोर्स ट्रेडिशनल बायर्स ऑफ राइस फ्रॉम थाईलैंड एंड वियतनाम टू स्विच टू इंडिया द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन. So, ये देखा जा रहा है कि राइस का दाम लिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल था वो हो जाएगा. एंड ट्रेडिशनल बायर्स जो थाईलैंड और वियतनाम है, ये लोग भी दोनों देशों को छोड़कर इंडिया में स्विच करेगी, इंडिया से वो लोग राइस सप्लाई करेगी क्योंकि इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. इंडियन ट्रेडर्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड to export 70,000 tons of 100% broken rice for January and February shipment of about $310 per ton on a free on board basis, the industry official said. So, $310 per ton में dollars के हिसाब से 70,000 ton sell की जाएगी. Next, Iran steps up uranium enrichment, seizes tanker. Iran on Monday began enriching uranium up to 20% at the underground facility and seized a South Korean-flagged oil tanker in the crucial Strait of Hormuz, further escalating tensions in West Asia between Tehran and the West. So, Iran ne apne uranium ko, jo uranium hai, usko 20% aur zyada एनरिच करने का फैसला किया. यूरेनियम को 20% और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में वो लोग उसका एनरिचमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है. और साउथ कोरियन की जो फ्लैग्ड ऑयल टैंकर थी उसे भी उन लोगों ने कब्जे में कर लिया है, जो क्रूशियल स्ट्रेट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रखा गया है. सो ये करने के बाद और ज्यादा नया टेंशन पैदा हो चुकी है तेहरान और वेस्ट के बीच. द अनाउंसमेंट ऑफ एनरिचमेंट ऑफ एट फोडो केम एन इरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड सीज एम्प्टी हंकुक चेमी अलोंग एलिजिंग द वेसल्स ऑयल पोल्यूशन स्पार्क द मूव. सो जो साउथ कोरियन के एम्प्टी हंकुक चेमी है वो साउथ कोरियन के जो फ्लैग्ड ऑयल टैंकर है उसको अपने कब्जे में कर लिया और उसे अपने हॉर्मुज स्ट्रेट में आके खड़ा कर दिया. हाउएवर आवर्स अर्लियर तेहरान सेड अ कोरियन डिप्लोमैट वाज एक्सपेक्टेड टू विजिट इन द कमिंग डेज टू नेगोशिएट द रिलीज ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इट्स एसेट्स नाउ फ्रोजन इन स्टील. सो उनका कहना कि साउथ कोरिया की तरफ से एक डिप्लोमैट आने वाले थे जो आके जो उनका फ्लैग ऑयल टैंकर है उसको रिलीज कराने वाले थे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देके लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं आ सकते, वो अभी सियोल में ही अटके हुए हैं. और
और ईरान यहाँ पे अपना यूरेनियम एनरिचमेंट पॉलिसी जारी रख रही है ताकि यूएसए के साथ वो टक्कर दे सके। यूएसए ने पहले ही कहा था कि हम लोग ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की हुक्म नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही 2018 डील से बाहर आ गए थे, न्यूक्लियर डील से, लेकिन ईरान ने कहा कि हम किसी के दबाव में आके कुछ नहीं करना चाहते, हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे, बिकॉज वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, हम किसी के अंडर में नहीं है, हम यूएसए के अंडर में नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट है, सो वी कैन डू वॉट वी वॉन्ट टू डू। और हर एक इंडिपेंडेंट देश का ये राइट होता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता। सो दैट्स वाई ईरान इतने जोरों से लगा हुआ है कि वो अपने यूरेनियम को और ज्यादा मजबूत करे और न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करे, और यूएसए उतनी ही मजबूत में लगी हुई है, डोनाल्ड ट्रम्प उतने ही मजबूत में लगे हुए हैं कि ईरान को रोक सके। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रम्प का 10 ईयर खत्म होने को आ चुका है, जनवरी में खत्म हो जाएगा, सो अब सब प्रेशर जो बाइडेन के ऊपर आ जाएगी, तो वो कैसे ये सब चीज को हैंडल करेंगे सिर्फ यही देखना बाकी है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज, और 5 जनवरी का कोई भी इम्पोर्टेंट डे नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टूडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, व्हेन यू फेस डिफिकल्ट टाइम्स नो दैट चैलेंजेस आर नॉट सेंट टू डिस्ट्रॉय यू, दे आर सेंट टू प्रोमोट, इंक्रीज एंड स्ट्रेटन यू। सो आप कभी भी कोई भी डिफिकल्ट टाइम में हो, कोई भी मुसीबत के वक्त हो, आपके साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है, तो कभी ये मत सोचना कि आपके पास जितने भी चैलेंज आ रहे हैं वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो आपको खत्म करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, वो चैनल्स आपके पास आ रहे हैं ताकि आप, वो आपको प्रमोट करना चाहते हैं, वो आपके स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहते हैं, वो आपके हौसले को बढ़ाना चाहते हैं। सो कभी भी आप कोई मुसीबत के वक्त हो, कभी भी आप कोई डिफिकल्ट टाइम्स में हो, तो ये मत सोचना कि ये डिफिकल्ट टाइम मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, ये मुझे बर्बाद कर देगा, ऐसा मत सोचना। ये सोचना कि ये एक डिफिकल्ट मोमेंट है, ये एक मेरे लिए चैलेंज है, ये चैनल से मुझे उभरना है, मुझे खुद को मजबूत करना है और खुद को ये चैनल से निकालना है। सो अगर आप ऐसा हौसला रखोगे ना, तो आप जितने भी डिफिकल्ट टाइम्स में हो ना, जितने भी मुसीबत में हो, आप बहुत आसानी से निकल जाओगे। लेकिन अगर आप एक बार ये सोच लिए कि यार ये तो मुझे बर्बाद कर देगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तब आप कभी भी छोटी से छोटी मुसीबत से भी बाहर नहीं आ सकते। सो हौसला रखे और जज्बे को कायम रखे और मजबूती बनाए रखे, तब जाके आप जितनी भी प्रॉब्लम हो, आप हर एक प्रॉब्लम से बाहर आ सकते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।